हमारी कोर कमेटी की नियमित बैठक अभी 21 तारीख को कुंभलगढ़ में हुई थी और उसके बाद क्योंकि दो उपचुनाव और पंचायती राज के चुनाव भी और पार्टी के जो संगठन के कार्यक्रम है वो भी विधिवत चल रहे हैं, जिसमें सशक्त मंडल अभियान है, सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी है, कुछ तात्कालिक मुद्दे, कुछ आंदोलनात्मक मुद्दे जिन पर चर्चा करनी थी। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भी नवंबर में प्रवास प्रस्तावित है, तो कुल मिलाकर इन सारे मुद्दों पर समग्र चर्चा हुई है। पार्टी ने यह तय किया है कि बाजरे की खरीद को लेके और अभी जिला स्तर पर किसान मोर्चे ने ज्ञापन दिए हैं, हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और प्रदेश में क्योंकि राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, राजस्थान की सरकार ने अभी तक बाजरे की खरीद सुनिश्चित नहीं करी है और इस नाते हम लोग राज्यपाल महोदय से भी इस बारे में निवेदन करेंगे। दूसरा, रीट के परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई वो जाहिर सी हैं, उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर दोनों पारियों को मिलाएं तो 25 लाख विद्यार्थियों ने शिरकत की, लेकिन जो अनियमितताएं देखने को मिली ऐसा लगता है कि राजस्थान अब नकल में भी प्रथम श्रेणी में शुमार हो गया। सरकार ने इस परीक्षा को ठीक तरीके से करने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया, अनियमितताएं हुई, इसके कारण प्रदेश का पूरा युवा वर्ग आंदोलित है। भारतीय जनता युवा मोर्चे ने ऐलान किया है 4 तारीख से वो आंदोलन की शुरुआत करेंगे, उस पर चर्चा हुई। आने वाले समय में तात्कालिक मुद्दों के अलावा भी जो प्रदेश के जिले हैं उसमें बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर जिला केंद्रों पर प्रदर्शन की अभी पार्टी योजना बना रही है, उस पर चर्चा हुई। दो उपचुनावों को लेके क्योंकि वहाँ के मुद्दे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए जो फीडबैक जो आएगा उसमें हम लोगों ने अभी आज कल में पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं की हम लोग घोषणा करेंगे जो अभी इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम हैं उन संगठनात्मक कार्यक्रमों को भी, क्योंकि हमें 6 अप्रैल तक पार्टी को एक व्यवस्थित संगठन रचना पूरे प्रदेश भर में तैयार करनी है, उसके लिए भी सशक्त मंडल अभियान चल रहा है, विस्तारक योजना उसमें रहेगी। पंचायती राज के 2 जिलों के चुनाव हैं, उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार पंचायती राज की अनदेखी करती है और यही कारण है कि किस्तों में चुनाव होते हैं। अभी भी 4 जिला परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं, बाकी हैं, लेकिन धौलपुर और अलवर के लिए पार्टी ने जिले के प्रभारी तय कर दिए, वो फील्ड में जाके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। 22 पंचायत समितियों के चुनाव उसके प्रभारी हम लोगों ने तय कर दिए, तो पंचायती राज के चुनाव की पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर आज की इस कोर समिति की बैठक में कुछ नेता कुछ कारणों से अनुपस्थित रहे, उन्होंने पहले अवगत करा दिया था किन्हीं के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे और कुछ लोग पहले से, अर्जुन मेघवाल जी उत्तर प्रदेश में, भूपेंद्र यादव जी मणिपुर के चुनाव में इंगेज हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के पहले से कुछ कार्यक्रम ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र में निश्चित थे, लेकिन इसके अलावा सभी प्रमुख लोगों ने शिरकत की है और सबने इन सारी बातों में हिस्सा लेके सार्थक सुझाव दिए और उन सुझावों पर चिंतन बैठक के बाद जो चर्चाएं हुई थी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अभी लगभग आधा दर्जन ऐसे नाम हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं, जो जिनके बारे में वहाँ के सामाजिक और समीकरणों के हिसाब से जिनकी चर्चा होती है, लेकिन अभी अंतिम नतीजे तक पहुँचने के लिए शीर्ष कार्यकर्ताओं को हम लोग अभी इंगेज करेंगे कि वो ठीक तरीके से और जानकारी प्रस्तुत करेंगे। सर, आपने लेटर भी लिखा कि आपको रीट को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आज खुद शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि जो बीजेपी है बेरोजगार युवा वर्ग को भ्रमित कर रही है, शहीदों का अपमान कर रहे हैं, शहीद स्मारक पर बैठ के धरना प्रदर्शन जो दे रहे हैं, अगर कोई परेशानी है तो आप आइए हमसे बात करिए, इस मैटर को टेबल पर डिस्कस करके शॉर्ट आउट करिए, बेवजह राजनीतिकरण ना करें। देखिए, वो उनके बयानों को देखेंगे तो कंट्राडिक्टरी विरोधाभासी बयान है,
एक तरफ तो वो कहते हैं कि आंदोलन नहीं होता, प्रतिपक्ष आवाज नहीं उठाता। राजस्थान के लगभग, मैं एक बड़ी संख्या आकलन करूं तो 50 लाख के लगभग लोगों ने परीक्षाएं अलग अलग स्तर की दी हैं। 25 लाख तो रीट में दोनों पारियों में बैठे, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, JEE की परीक्षा, कृषि सहायकों की परीक्षा। पिछले 2.5 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं था, उसमें जो अनियमितताएं हुई उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। और अभी जो रीट में हुआ, आप ये देखिए कि अपराधियों की हिम्मत हो जाए कि हवाई चप्पल में ब्लूटूथ लग जाए, ये तो पहली बार ही सुना है देश में, दुनिया में ऐसा आविष्कार नहीं हुआ। पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संभव है कि जब आलू से सोना बन सकता है तो ब्लूटूथ में हवाई चप्पल में लग सकता है। दूसरा, इसके बारे में एक संगठित गिरोह काम करता है। अनेकों बार पहले ये कहा कि रीट की परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन वही कंट्राडिक्शन ये है कि वही मंत्री डोटासरा जी अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं इसी हिसाब से कि उस पर संदेह है। जब भूमिका संदेह है तो मुझे लगता है कि अभी इसको यदि ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो परतें बहुत उधड़ेंगी। और ऐसा लगता है कि सरकार के संरक्षण में नकल माफियाओं ने, राजस्थान माफियाओं से ग्रस्त है, खनन माफिया यहाँ पर हैं, अपराध माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, लेकिन अब नकल माफिया, ये एक नई तरीके की खेप है जिसने एक संगठित तरीके से नकल को अंजाम दिया है। और मुझे लगता है कि ये यथोचित ही है कि राजस्थान के इतने लाखों नौजवान जो सीधे सीधे प्रताड़ित होंगे, रोजगार तो वो 30,000 को देंगे लेकिन पीड़ित 25 लाख से भी ज़्यादा लोग होंगे, उनकी आवाज़ उठाना यदि कांग्रेस के भाषा में किसी भी किस्म से आपत्तिजनक है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद पाप कर रही है। हम लोगों ने कहा है साफ तौर पर, यदि वो ईमान है, पाक साफ है, उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं करी तो उनको डरना नहीं चाहिए। मैंने देखा डोटासरा जी का बयान कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती, तो ठठेरे का काम तो वाड्रा जी के यहाँ मुझे पता है बर्तनों का काम करते थे उनके परिवार के लोग, यानी उनको उनसे भय नहीं है। तो वो किसी भी टर्म को इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का नौजवान गुमराह नहीं होगा। हम लोग युवा मोर्चा ने इसकी तैयारी की है, मैंने खुद ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर पहल करनी चाहिए, डोटासरा जी को, उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान में, हिंदुस्तान में एक अवसर आए जब ऐसा लोगों ने किया है, नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री जी को उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और राजस्थान की एजेंसीज पर हमें किसी भी तरीके से भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों लगभग दो ढाई साल से कि किस तरीके से उन्होंने सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया। तो इसलिए मुझे लगता है किसी केंद्र की एजेंसी से, जिसमें CBI सक्षम है, खुद सरकार कई बार कई मसलों पर CBI को रेफर करती है, इस मामले को भी रेफर करें तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री CBI की जांच से डरते क्यों हैं, उनको आगे आना चाहिए, राजस्थान के नौजवानों को भरोसा देना चाहिए। इसलिए हमारी मुहिम चलेगी और हम लोग बराबर पुरजोर आवाज उठाते रहेंगे। आप कहते हो कि मंत्रिमंडल में जिस दिन फेरबदल हो गए सरकार गिर जाएगी, गहलोत साहब ने तो आज सरकार रिपीट करने की बात भी कही और विभागों के बंटवारे भी कर दिए। उन्होंने कहा कि शांति धारीवाल जी फिर से चौथी बार UDS मंत्री, पर ये भी कहा 10 से 15 साल, अभी 15 से 20 साल मुझे कुछ होने वाला नहीं है, जिनको परेशानी होगी होने। वैसे तो अच्छी बात है वो शतायु हों, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो राजस्थान में अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस को ले आए जिस स्थिति में राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को देश में लाए हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि अशोक गहलोत जी का चेहरा रहेगा, तो राजनीतिक तौर पर मैं तो उसका स्वागत ही करूंगा कि वो 100 साल जिए और कांग्रेस का राजस्थान में नेतृत्व करते रहें। ये दिगर बात है कि अब आगे के बाद में वो राजस्थान में कांग्रेस को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि कांग्रेस यहाँ पर शासन कर सके। देखिए किसने क्या किया और किसके भीतर क्या है, लेकिन आज की तारीख में पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में
ये तथ्य प्रमाणित है कि वहाँ पर किस तरीके से विग्रह शुरू हुआ और वह आज तक कायम है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरीके से मैं किसी भी मतभेद की और अंतर्कलह की बात को सिरे से खारिज करता हूँ, लेकिन कांग्रेस में ये स्थापित है, जो सड़कों पर भी है, उनके भीतर भी है और बाहर भी है। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद बाड़ेबंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता और उसको इस तरीके से प्रदेश के अनेक हिस्सों में कांग्रेस पार्टी को किलेबंदी नहीं करनी पड़ती। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है उनको अपना घर देख लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं, जो असुरक्षा उनको कुर्सी के प्रति है, उस असुरक्षा से बाहर आएंगे तो शायद प्रदेश का भला कर पाएंगे। लेकिन बाहर कैसे आते, अभी तो वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैंने राजस्थान क्या हिंदुस्तान के बिरले मुख्यमंत्री देखे हैं जो पिछले 2 साल से घर से दफ्तर तक नहीं गए हैं, और वर्चुअल चीफ मिनिस्टर कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मिलने वाले को भी उनको वीडियो कॉल से मिलना पड़ता है। ये ज़रूर है कि वो रिकॉर्ड बना सकते हैं कि किसने, जिस चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, इसका इनाम जरूर ले सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। देखिए, चुनाव समिति की कोर समिति की बैठक में किसकी चर्चा हुई, इस बात की चर्चा मैं आपके साथ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी होगा भविष्य के गर्भ में आपके सामने आ जाएगा। नहीं, मैं जब वो कटारिया जी जो है उनके बारे में वो कहते हैं रणजीत सिंह बिल्डर, तो ऐसे में कटारिया जी की नाराजगी जग जाहिर है, कटारिया जी का उनका जो चल रहा है सब कुछ, तो ऐसे में क्या दे दिया जाएगा पार्टी? देखिए, पार्टी टिकट का फैसला सबकी सलाह से, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी, जीतने की क्षमता, वहाँ के कार्यकर्ताओं की राय, ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैंने कहा कि अभी उसको हमें अंतिम निर्णय तक पहुंचने में समय लगेगा, किस व्यक्ति ने क्या राय दी और किस राय से हमें आगे बढ़ना है उसका खुलासा जल्दी आपके बीच में होगा। क्या कोर कमेटी ने आपको मुकर्रर कर दिया कि आप अपने लिहाज से ये जो नाम है? हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, एक प्रक्रिया है जिसकी चर्चा हम लोगों ने करी है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है दिल्ली का, हम यहाँ से जो नामों की अंतिम सूची तैयार होगी उस सूची को हम लोग दिल्ली भेजेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है, अंतिम चर्चा होने के बाद ही हम लोग दिल्ली नाम। दो नाम या फिर ज्यादा नाम? 3 नाम का पैनल होता है जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अभी कटारिया जी से कोई बातचीत हुई रणजीत सिंह बिल्डर को टिकट देने या नहीं देने को लेकर किसी भी संदर्भ? देखिए, उनसे बातचीत हो चुकी और वो उपलब्ध होंगे तब उनसे और बात हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति स्पेसिफिक हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं होती है, हम लोग सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। किरोड़ी लाल जी धरने पर बैठे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष से आह्वान कर रहे हैं, उनको मीडिया के जरिए आह्वान करने की जरूरत पड़ गई, क्या आपसे बातचीत हुई होगी पहले? देखिए, उनको क्योंकि उपलब्ध भी हैं और खासतौर पर पूरी राजस्थान के लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, उनको वहाँ के विद्यार्थी बुलाते हैं और वो सहजता से जाते हैं, इसलिए इस मुद्दे को, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस मुद्दे पर किसी तरीके की सियासत नहीं है, वो चर्चा करते हैं, बात करते हैं।